ना ये ना उसको वेट 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 मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत टाइम बाद. हाँ खुला हुआ. आपको आपके लिए आया हुआ आपके लिए और खास तौर के लिए 7.5 मिलियन आपका सॉन्ग हो चुका है और इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों को. कुछ कहना चाहिए? आपके फैंस इतना हमेशा प्यार देते हैं. आई थिंक फाज और मैं जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं हमें बस खड़ा होना है एक दूसरे के साथ और केमिस्ट्री उधर ही चालू होती है. बट बहुत सारा प्यार मिलता है. सो थैंक यू सो मच. और ऐसी प्यार निछाती रही है हम पे. एंड दैट्स ऑल यू. हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब आपने सॉन्ग शूट किया था? तो कुछ बताना चाहिए आपके फैंस को? बहुत क्रेजी था क्योंकि हम पूरी डेजर्ट में शूट कर रहे थे एंड बहुत गर्मी थी एंड मज़ा आया. एक्चुअली हमने बहुत टाइम पास भी किया. बहुत मैं ऐसी गाड़ियों में घूम रही थी. बहुत आप हमेशा से बैक टू बैक बहुत ब्यूटीफुल और हॉट. व्हाट आर योर फिटनेस मंत्र टू योर फैंस? सो माय फिटनेस इज आई वर्क आउट फॉर 2 hours एवरी डे. इन द मॉर्निंग आई गेट अप एट 5 o'clock. I sleep very early and I have a very good schedule. So yes, and I eat clean. घर का खाना आज भी आया है. क्या बात है. क्या बिग बॉस देख रहे हो मैडम? हाँ जी, I love बिग बॉस. करणवीर मेहरा supporting him. उनको काफी परेशान किया जा रहा है घर के अंदर. काफी वो होता ही. I think बिग बॉस थोड़ी बायस होती है कलर्स बट कोई नहीं. आई थिंक लाडला जीतेगा लेकिन करणवीर ने लोगों का दिल जीत. लाडला इन अ सेंस विवे अच्छा वो जीतेगा लेकिन करण मेहरा ने. लेकिन कई सारे लोग अच्छे लोग भी है जैसे कि चू में बहुत अच्छी. लेकिन कोई भी मीडिया की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है. कोई उनके बारे में बातचीत नहीं हो रही है. आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है. विश मेरे को मौका मिले और मैं जाऊं और मैं थोड़ा सपोर्ट करूं बिकॉज़ शी इज प्लेइंग वेरी वेल एंड उसके टास्क में. ओके ओके थैंक यू मैम. लवली टॉकिंग टू यू ऑलवेज. बेस्ट ऑफ लक. सर रुक बैठो. सॉरी आत्मा लेट हो गया. बहुत लेट हो गया. बहुत ही है. हर दिन जा रहा हूँ स्कूल है. स्कूल छुट्टी है. स्कूल छुट्टी है. सिग्नल पे 2 बार रुको. होता है होता है. ठीक है. अभी मतलब हाफ थोड़ा हाफ एन आवर. अभी बोला मैं खुश हो गया था. थैंक टाइम हो गया. चलो ठीक है ना. होता होता है. ओके सर कांग्रेचुलेशन आपको सॉन्ग के लिए. थैंक यू सर. बहुत ही अच्छे पसंद किया जा रहा गाना. तो कुछ बताना चाहिए आप? जी हमारी जोड़ी हमेशा से पसंद की गई है और हमेशा हमेशा से. हाँ 10 साल हो चुके हैं. करेक्ट. और 5 सीजन किए हैं और ये हमारा पहला गाना जोड़ा था. काफ़ी मज़ा आया शूट करके और स्पेशली दुबई में जाके शूट करके आए. इंटरनेशनल शूट करके आए और काफ़ी फन इंसिडेंसेस थे वहाँ पर. तो ओवरऑल आई फील जस्टिस मिला है बिकॉज विजय गांगुली जी ने इतने अच्छी तरीके से शूट किया. सो आई एम ग्लैड के द सॉन्ग टर्न्ड आउट टू बी रिलीफ एंड पीपल हैव लव्ड इट एंड पीपल हैव लाइक्ड इट सो मच. बहुत गर्मी में शूट किया आप लोगों ने. बहुत गर्मी भाई. इतनी गर्मी में क्या बताऊँ. मतलब फंस चुके थे हम रेत में. ओके अगर हम बात करें 7.5 मिलियन से ज़्यादा मतलब 1 मिलियन होने आया 2 दिन में. तो कुछ कहना चाहिए फैंस को और ज़्यादा इस पर रील्स बनाए जिससे. प्लीज़ 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 मेक एज मच एज रील्स एज यू कैन बिकॉज द सॉन्ग इज़ फैंटास्टिक एंड द सॉन्ग इज़ वेरी कैची माहिया एंड इट्स अ सॉन्ग टू फॉल इन लव विद. एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइंस है बट यस लव इज़ इन द एयर एंड लव इज़ ऑलवेज देयर 365 days. सो यस आई फील सही या गलत टाइम नहीं होता रोमांटिक सॉन्ग रिलीज़ करने के लिए. प्यार प्यार होता है एंड हमारी जोड़ी हमेशा से हिट रही है. सो मेक इट एज बिगर हिट एज पॉसिबल. सो यस 8 मिलियन क्यों 10 मिलियन करो यार. सब फिल्म भी बहुत अच्छा रहा. आपने बहुत हंगामा किया तो फिल्म के लिए क्या कहना चाहिए? इतना प्यार मिला आपको और बहुत ही बेहतरीन आपने काम किया है इतना उस पर आप क्या कहना चाहिए? जी मैं एक्चुअली एक्साइटेड था अपनी फर्स्ट फिल्म को लेकर. नर्वस भी था बट यस काफ़ी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले अपने परफॉर्मेंस को लेकर. रियली हैप्पी एंड लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दैट डजंट लुक लाइक योर फर्स्ट फिल्म. सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन इट. तो आने वाले दिनों में हम धर्मा प्रोडक्शन में आपको देख सकते हैं यशराज में. रोमांटिक
थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू सर।